لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بسعة مني صلوات بھیج دے محمد و آل محمد آنے والے دن جناب فاطمہ کی شہادت سے منسوب ہیں جناب فاطمہ کی جو عظمت اور ان کا مقام ہے اور اس عظمت اور مقام کے لیے پیغمبر کی یہ حدیث ہی کافی ہے کہ جہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بزعۃ منی فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تمام سنی شیعہ روایتوں کے لحاظ سے سب نے اسے قبول کیا ہے کہ جب پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے اور جناب فاطمہ آتی تھی تو پیغمبر سراپا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں مرحبا کہتے تھے اور پھر اپنی جگہ پر انہیں بٹھالتے تھے اور پھر بٹھال کے یہ حدیث فرماتے تھے فاطمہ تو بس اتو منی فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا حصہ ہے بس یہیں سے یہ احترام پیغمبر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پیغمبر احترام کیوں کر رہے تھے شاید کسی ذہن میں سوال آئے کہ فاطمہ تو بیٹی تھی رسول اللہ تو باپ تھے بیٹی کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے یہ تو کہیں نہیں دیکھا کہ باپ بیٹی کا اس طریقے سے احترام کرے پھر یہ رسول اللہ جو احترام کر رہے تھے رسول اللہ والد ہیں فاطمہ بیٹی ہیں رسول اللہ نے خود اس کا جواب دیا ہے فاطمہ تو بزعۃ منی فاطمہ میرا جز ہے جز کا مطلب رسول پیغمبر خطی مرتبت رسول ہیں اب اگر خود آپ رسول ہیں تو فاطمہ جزو رسالت ہیں اب اگر آپ نبی ہیں تو فاطمہ جزو نبوت ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ احترام جو ہو رہا تھا جناب فاطمہ کا یہ بیٹی کی حیثیت سے نہیں ہو رہا تھا بلکہ جزو رسالت اور جزو نبوت کی حیثیت سے ہو رہا تھا ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد آپ سنتے رہتے ہیں کہ بیوی کی زندگی کے تین پہلو جو مشہور ہیں ایک
बेटी की हैसियत से, एक जौजा की हैसियत से और एक माँ की हैसियत से। और ये तीनों पहलू नुमायाँ भी हैं और तीनों पहलू पूरी आलम इंसानियत के लिए नमूना भी हैं। अगर आप बेटी की हैसियत से देखें तो पैगंबर खुद बेटी की तज़ीम करते हुए नज़र आते हैं, और अगर जनाब फ़ातिमा को बाप की नस्बत देखें तो जहाँ पैगंबर बेटी की तज़ीम और एहतराम कर रहे थे, वही बेटी कुछ कम खिदमत और इताअत नहीं कर रही थी, बल्कि जनाब फ़ातिमा के लिए मिलता है कि पैगंबर की इस तरीके से खिदमत की है और पैगंबर की इस तरीके से इताअत की है कि जब पैगंबर तबलीग से वापस होते थे और जनाब फ़ातिमा एक प्याले में पानी लेके पैगंबर के सामने आती थी, बहुत छोटी है जनाब फ़ातिमा, और इस 4-5 साल के सिन में जब करीब आती थी और पानी का प्याला पेश करती थी कि बाबा आप थके हैं, पानी पी लीजिए, आप सफ़र से आए हैं, आप तबलीग करके आए हैं, आपके जिस्म के ऊपर ज़ख्म है, पानी ले लीजिए। और फिर जब पैगंबर बैठ जाते, पानी पी लेते, तो फिर आप उन ज़ख्मों के ऊपर मलहम रखती थी, और कभी पाँती आके पैगंबर के पैरों को दबाने लगती थी, कभी सर के करीब आने के बाद सर पे हाथ रखती थी, और ऐसा सलूक करती थी कि पैगंबर को अपनी माँ याद आ जाती थी, और पैगंबर की ज़बान के ऊपर बेसाख्ता ये जुमला आता था, फ़ातिमा तो उम्म अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहाँ ये बेटी के लिहाज से जनाब फ़ातिमा का किरदार है, वहीं जब आप का अक्द हुआ है मौला अमीरुल मोमिनीन से और रुखसत होके अपने बैतुश्शरफ से अमीरुल मोमिनीन के बैतुश्शरफ में आई हैं, तो अमीरुल मोमिनीन के बैतुश्शरफ में भी आपका जो तरीक़ा था एक जौजा की हैसियत से, जो नमूना तरीक़ा है, नमूना किरदार है, कि अगरचे आप ख़ुद मासूमा हैं, आप जुज़्वे नबूवत हैं, जुज़्वे रिसालत हैं, आप आलिमा हैं, आप आरिफा हैं, इसके बावजूद जो आपने इताअत की है, और जहाँ एक तरफ जनाब फ़ातिमा की ये इताअत मिली के, वहीं दूसरी तरफ इसी इताअत के साथ साथ बच्चों की परवरिश और खिदमत। इताअत का आलम यह था कि जिस वक्त पैगंबर ख़तीब मर्तबत दुनिया से रुखसत हुए हैं और आप मरीज हुई हैं, तो उस मौके के लिए मिलता है कि जिन लोगों ने सताया था, जिन लोगों ने परेशान किया था, जिन लोगों ने दरवाजे में को जलाया था, वो आए दरवाजे पे कि चलो फातिमा की इयादत करें, फातिमा की इयादत करें। अब आप शौहर की इताअत देखें, वाकई बड़ा हसास मौका होता है कि ऐसे मौके के ऊपर तो वाकई इंसान गुस्से में आ जाएगा और वापस कर देगा और मना कर देगा और कहेगा कि आपने आने क्यों दिया और आप उनको वापस कर दीजिए। लेकिन आप जवाब सुनिए कि आपने इजहार नाराज़गी भी कर दिया और शौहर की इताअत का सबूत भी दे दिया। जिस वक्त दरवाजे पे आए तो अमीरुल मोमिनीन जनाब फ़ातिमा के पास आए, फ़ातिमा ये फला फला अयादत के लिए आए हैं, तुम्हारी मिजाज कुर्सी के लिए। अब आप जवाब सुनिए जनाब फ़ातिमा का। जनाब फ़ातिमा फरमाती हैं, अबुल हसन घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारी जौजा हूँ, तुमको पूरा इख्तियार है, तुम उनको इजाज़त दो या ना दो। अब आप जवाब देखिए, आप मैं तुम्हारी जौजा हूँ, ये घर आपका है, आपको पूरा इख्तियार है, आप उनको इजाज़त दें या ना दें। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा खुद पर्सनल ताल्लुक है, मैं उनसे बात नहीं करूंगी, मैं उनसे कलाम नहीं करूंगी। ठीक है, आपको पूरा इख्तियार है, आप उनको बुलाइए ना बुलाइए,
आप उनको घर के अंदर लाइए ना लाइए, पूरा अख्तियार आपको है, लेकिन मैं उनसे कलाम नहीं करूंगी। और वाकईन जनाबे जहरा ने यही किया। अमीरुल मोमिनीन जब जंगों के लिए जाते थे तो जनाब फातिमा नियाम से तलवार निकाल कर उसको साफ करती थी, फिर नियाम में रखती थी, लाके मौला के सामने पेश करती थी, जाइए फी अमानिल्लाह, इस्लाम की नुसरत में आगे बढ़िए। और जब वापस आते थे तो बढ़ के सबसे पहले तलवार ले लेती थी, फिर साफ करती थी, साफ करके फिर नियाम में रख देती थी दूसरी जंग के लिए। तो जहां एक तरफ आपका किरदार एक बेटी की हैसियत से नमूना किरदार है, वहीं जौजा की हैसियत से भी एक नमूना किरदार जनाब जहरा ने पेश किया है कि जिस तरीके से आपने उमूर खानादारी अंजाम दिए हैं। आज के ज़माने में ये सब चीज़ें वाकई ज़रूरी है कि बच्चियों तक और घर की ख़वातीन तक पहुँचें, कि ज़रा सा अगर कहीं से घर में कामकाज बढ़ गया तो बस ज़रा सा त्योरियों पे बल पड़ जाते हैं और गुस्सा घर भी शुरू हो जाता है। लेकिन जनाब जहरा की जो ज़िंदगी थी, जनाब जहरा की जो हयात थी, क्योंकि जनाब जहरा की ज़िंदगी में मिलता है कि आप चक्की चलाते चलाते हाथ में गट्टे पड़ गए थे। अब जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सामने की चीज़ भी है और बिल्कुल सामने की बात भी है कि हाथ में निशान पड़ जाना, आप कितनी चक्की चलाती थी कि हाथ में पांच, घर में पांच अफराद हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब, जनाब गुलसुम बहुत छोटी है, और जनाब फिज़ा। और शुरू की जिंदगी में देखें, जब आप तशरीफ लाई हैं तो सिर्फ तीन फर्द हैं। शुरू में बिल्कुल अकेले हैं, इमाम अमीरुल मोमिनीन है और जनाब फातिमा। उसके बाद जब फरमाइश की तो पैगंबर खती मर्तबत ने आपको एक तस्बीह तालीम कर दी, और एक जब मौका आया तो जनाब फिज़ा को आपके हवाले कर दिया। तीन अफराद हो गए, इमाम हसन, इमाम हुसैन तशरीफ लाए, पांच अफराद हो गए, जो कि बहुत छोटे थे। अब आप इन पांच अफराद का खानवादा मुलाहजा फरमाएं, ये पांच अफराद के लिए कितना अनाज चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितनी जौ चाहिए कि जो हाथ चक्की चलाते चलाते जो है वो जख्मी हो जाते थे। जनाब फातिमा के लिए मिलता है कि जब आप अपने घर की जो पीस चुकती थी तो आप फिज़ा से कहती थी कि फिज़ा देखो जाओ महल्ले में ज़रा सा, वो जो बूढ़ी औरतें हैं, जो मजबूर हैं, जिनके यहाँ ज़्यादा काम है, अपने हाथ से नहीं कर सकती हैं या आटा नहीं पीस सकती हैं, जाओ उनसे उनकी जौ ले आओ ताकि उनके लिए भी हम जौ पीस दें, और आप उनकी जौ भी अपने हाथ से पीस के भिजवाती थी आटा उनको। इस वजह से चक्की चलाते चलाते आपके हाथों में जख्म पड़ गए थे, लेकिन कभी भी जबान के ऊपर कोई शिकवा नहीं, कोई फरियाद नहीं, बल्कि खुशी खुशी ये सारे उमूर अंजाम देती थी। तो ये जौजा की हैसियत से किरदार है जनाब फातिमा का। और अगर आप माँ की हैसियत से देखिए तो क्या कहना, जहां बेटी की हैसियत से आप नमूना हैं, जौजा की हैसियत से आप नमूना हैं, वहीं माँ की हैसियत से भी आपका किरदार नमूना किरदार है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम, दो बेटे दो बेटियाँ, और वाकयन जिस अंदाज से आपने अपने बच्चों की परवरिश की है कि आपके सारे बच्चे, चाहे बच्चे हों या बच्चियाँ हों, सब इस्लाम के ऊपर कुर्बान हो गए, और वाकयन रहती दुनिया तक के लिए कि जो आपके बच्चों ने पैगाम दिया है और जिस तरीके से दीन और शरीयत को बचाया है और इसकी हिफाजत की है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। जिन हालात में आपने इस्लाम का और शरीयत का दिफा किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। बस अजीज़ान मोहतरम, जनाब फातिमा
जो आखिरी वक्त में मरसिया पढ़ रही थी, सुब्बत अलैया मसाइबुल अवन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लयाली, बाबा आपके बाद इतने मसाइब पड़े कि अगर ये दिनों पर पढ़ते तो दिन रात में बदल जाते। अजीज़ान मोहतरम, यकीनन ये जो बीबी का मरसिया था, जहां एक तरफ खुद वो मसाइब थे कि जो बीबी पर पड़े थे, चाहे वो हक का गस्ब होना हो, चाहे वो दरवाजे का जलना हो या दरवाजे का गिरना हो, या मोहसिन का शहीद होना हो, या अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी का फंदा हो, या दरबार में आपके खुतबा देना हो, यकीनन ये सारे बहुत सख्त मंजिलें थी जनाब जहरा के लिए, कि जिनको वाकई याद कर करके जनाब जहरा को मरसिया पढ़ना चाहिए और पढ़ा मरसिया। लेकिन साथ ही साथ जनाब जहरा का मरसिया इस बात पर भी था, और जनाब जहरा देख रही थी और इस चीज को महसूस कर रही थी जनाब जहरा, कि आज अभी बाबा का इंतकाल हुआ है, बाबा ने आज मेरे लिए इतनी हदीसें इरशाद फरमाई, इतनी आयतें सुनाई, तब इन्होंने हमारा कोई एहतराम नहीं किया और हमारे ऊपर इतना जुल्म किया है, तो ये मेरे बाद मेरी औलाद के साथ क्या करेंगे। यकीनन जनाब फातिमा की निगाहें देख रही थी कि करबला के मैदान में मेरा लाल तीन दिन का भूखा प्यासा घोड़े से जमीन के ऊपर आ रहा है, और शहादत के बाद लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। जनाब जहरा की निगाहें देख रही थी कि मेरी बेटियां उम्मे और ज़ैनब और उम्मे कुलसूम और मेरी बहुएं किस तरीके से करबला से कूफा और कूफा से शाम इस आलम में ले जाई जा रही हैं, कि सर तो चादर नहीं है, हाथ से गर्दन बंधे हुए हैं, आगे आगे मुनादी की निदा है, ए कूफो शाम वालों आओ और अहले हरम का तमाशा देखो। और जब ये यकीनन मसाइब जहरा की निगाहों में आते होंगे, तो यकीनन जहरा की जबान के ऊपर मरसिया आता होगा, सुब्बत अलैया मसाइबुल अवन्नहा, बाबा अभी आपको गए हुए कितने दिन हुए हैं, लेकिन जरा आके देखिए तो आपकी इस उम्मत ने हमारे ऊपर आपके बाद क्या क्या मजालिम। لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها بار الہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، شب جمعہ شب مغفرت شب رحمت شب دعا، بار الہ तेरी बारगाह में दुआ है हमारी तमाम गलतियों कोताहियों और गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, हमारी आखिरत बखैर फरमा, मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा और मराजे की हिफाजत फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों को जलील ख़ार और नीस को नाबूद फरमा, जो मोमिनीन मरीज हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मगफरत फरमा, मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के ग़ुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमा, हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा, وتقبل منا انك انت السميع العليم।